हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा में। तो अगर आप इंडिया के किसी भी मेजर सिटी में चले जाए जहां पर मेट्रो की कनेक्टिविटी अवेलेबल है, तो आप ये जरूर देखेंगे कि वहां पर जो एयरपोर्ट है या फिर बस टर्मिनस है या फिर वहां के जो मेजर रेलवे स्टेशन है, इन सब जगहों से मेट्रो की कनेक्टिविटी जरूर रहती है सिटी तक जाने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ रहे और जो पब्लिक है उनको आने जाने में इजी रहे। लेकिन अगर मैं कोलकाता की बात करूं, तो यहां पर है इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना मेट्रो रेल नेटवर्क, जो 1984 से कलकत्ता में ऑपरेट कर रहा है। और यहीं पर आपको मिल जाएगा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, जो है हावड़ा रेलवे स्टेशन, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म्स है और ये इंडिया का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है। तो क्या रीजन है कि जो कलकत्ता का हावड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां से सिटी तक जाने के लिए अभी तक कोई मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी? तो इसका मेन रीजन यह है कि सिटी के और हावड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में आता है ये हुगली रिवर। तो इसी कारण इसके जो राइट साइड में जो पूरा सिटी है, यहाँ पर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी आज से लगभग 40-50 साल पहले से है। बट हावड़ा स्टेशन से आपको अगर सिटी तक आना है, तो आपको बस या फिर कैब वगैरह से ही आना पड़ता था, जो वाया ये हावड़ा ब्रिज के ऊपर से होकर आता था। बट रिसेंटली, पिछले ही महीने की बात है, जब इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल नेटवर्क स्टार्ट हो गया है कोलकाता में, जो कनेक्ट करता है हावड़ा रेलवे स्टेशन को कोलकाता सिटी के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में जान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अंडरवाटर मेट्रो रेल नेटवर्क है, इससे आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से सिटी तक या फिर सियालदा या फिर बस टर्मिनस या फिर एयरपोर्ट वगैरह तक कैसे जा सकते हैं बहुत इजीली और बजटेड तरीके से, इसके जो फेयर है ये क्या है और इसके लिए आपको कौन से स्टेशन से किस स्टेशन तक आना पड़ेगा, कहाँ से क्या मिल सकता है, इसके टाइमिंग्स क्या है और बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए फिर इंडिया के इस फर्स्ट अंडरवाटर मेट्रो टनल या फिर मेट्रो रेल नेटवर्क की पूरी डिटेल में जानकारी के लिए अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले इस अंडरवाटर मेट्रो रेल नेटवर्क जो है, इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सर्विस है, ये स्टार्ट हुआ है कलकत्ता में 15 मार्च 2024 से। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये 2021 के आसपास से ही स्टार्ट हो गया था और इसे बंद कर तैयार होने में लगभग 3-4 साल का वक्त लग गया। और यहाँ पर जो हुगली रिवर के नीचे अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाया गया है, ये टनल की टोटल लंबाई है 520 मीटर और इस टनल का जो टॉप पार्ट है वो ग्राउंड लेवल से 30 मीटर नीचे है, मतलब 30 मीटर का इसका डेप्थ है। अब इसके बाद इसका जो रूट मैप है, इस रूट मैप को भी एक बार हम क्लियरली देख लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। कलकत्ता में ऑलरेडी पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, इस तरीके से काफी सारे लाइंस अवेलेबल है पूरे सिटी में, बट ये जो न्यू लाइन है जो हुगली रिवर के नीचे से आ रहा है, इसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। और इसका स्टार्टिंग स्टेशन है हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन। हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन हावड़ा के जो रेलवे स्टेशन है, इससे थोड़ा और आगे है, तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद इसका जो अगला स्टेशन है वही है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। अगर आप बाय ट्रेन हावड़ा रेलवे स्टेशन तक आ रहे हैं और आपको मेट्रो लेना है, तो आपको इसी पर्टिकुलर स्टेशन से मेट्रो मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है 500 मीटर का ये अंडर वाटर टनल। उसके बाद अगला स्टेशन है महाकरण एंड देन नेक्स्ट इज एस्प्लैनेड। एस्प्लैनेड में ही ये रेगुलर जो कलकत्ता का एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन है, इसके साथ ये मैच हो जाता है। बट इसके बाद भी ये ग्रीन लाइन आगे कंटिन्यू होता है सियालदा तक, एंड देन उसके बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम, बंगाल केमिकल्स, इस तरीके से और आगे आगे जाते हुए आगे ऑरेंज लाइन तक मिल जाता है। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा जो स्टेशन का लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से सिटी तक बाय मेट्रो आना चाहते हैं, तो आप हावड़ा मेट्रो स्टेशन से ये ग्रीन लाइन ले सकते हैं और एस्प्लैनेड तक आकर आप रेगुलर जो लाइन है, एग्जिस्टिंग लाइन है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं या फिर आगे भी जा सकते हैं। बट करेंटली जो एस्प्लैनेड के बाद जो ये सियालदा वाला जो स्ट्रेच है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है और मे बी विद इन 1 or 2 months ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक करेंटली जो रूट है वो ऑपरेशनल है हावड़ा मैदान से लेके एस्प्लैनेड तक, और आगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेच का काम मोस्टली 3-4 महीने में कंप्लीट जब हो जाएगा,
तब आपको ये आगे का जो पूरा स्ट्रेच है ये आपको हावड़ा से मिल जाएगा। बट करेंटली अप्रैल 2024 के स्टेटस के अनुसार आपको एस्प्लेनेड तक ही ये ग्रीन लाइन मिलेगा और यहाँ से आपको रेगुलर पर्पल लाइन या फिर ब्लू लाइन में चेंज करना पड़ेगा। अब क्विकली ये भी देख लेते हैं कि आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन से ये मेट्रो कैसे बोर्ड करना है। बेसिकली अगर हावड़ा रेलवे स्टेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता हो तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टेशन दो कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है, एक है ओल्ड कॉम्प्लेक्स और दूसरा है न्यू कॉम्प्लेक्स। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 15 तक है ओल्ड कॉम्प्लेक्स में और प्लेटफॉर्म नंबर 18 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 23 तक आपको मिल जाएगा हावड़ा रेलवे स्टेशन के न्यू कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 और प्लेटफॉर्म नंबर 17 है ये पार्सल वैन्स या फिर पार्सल ट्रेन जो भी है इनके लिए डेडिकेटेड है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और आपको ये जो मेट्रो स्टेशन है हावड़ा मेट्रो स्टेशन एग्जैक्टली इस पार्सल यार्ड के नीचे बनाया हुआ है अंडरग्राउंड में। तो अगर आपको इस मेट्रो स्टेशन तक जाना है तो इसके दो तीन गेट्स हैं। एक तो आप अगर 15 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ आते हैं तो 15 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने से आपको ये गेट मिल जाएगा। आप किसी से पूछ सकते हैं 15 नंबर प्लेटफॉर्म के पास आकर, तो आपको वो गाइड कर देंगे। या फिर अगर आप मेन रोड से डायरेक्ट आना चाहते हैं, आप रेलवे स्टेशन में नहीं है, आप मेन रोड में है, तो यहाँ आपको गुड्स यार्ड के सामने से ही आपको अंडरग्राउंड में यहाँ मेट्रो तक जाने का गेट मिल जाएगा। और अगर आपको न्यू कॉम्प्लेक्स की तरफ से जाना है तो आप 18 नंबर प्लेटफॉर्म के पास आ सकते हैं। वहां पर अगर आप किसी से पूछेंगे या फिर साइन बोर्ड वगैरह देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहां से आपको मेट्रो के लिए गेट कहां पर है। तो इस तरीके से आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से मेट्रो को बड़े इजीली बोर्ड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस मेट्रो का टिकट कॉस्ट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर मेट्रो में हावड़ा से बोर्ड करते हैं तो हावड़ा से ये आपका फेयर चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हावड़ा से अगर आप हावड़ा मैदान तक जाते हैं तो आपको सिर्फ 5 रुपए का टिकट देना पड़ेगा। तो यही खूबसूरती है कोलकाता शहर की, जहां पर आपको हर चीज बजट में मिल जाता है, चाहे वो फूड हो, स्टे हो या फिर मेट्रो से ट्रैवल करने का कॉस्ट हो। तो यहां पर आपको 5 रुपए में भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आप जा सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट आपको इंडिया के किसी भी और सिटी में कोई भी मेट्रो में मिल सकता है, क्योंकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जहां तक मेरा अंदाजा है कम से कम 10 रुपया तो फेयर होता ही है, चाहे आप वो दिल्ली ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए या फिर और कोई जगह ले लीजिए, या फिर 10 से ऊपर होता है पर इससे नीचे नहीं हो सकता है। बट यहां पर आपको हावड़ा से हावड़ा मैदान तक का कॉस्ट होता है ओनली 5 रुपीज। अब इसके बाद अगर आप आगे एस्प्लेनेड की तरफ जाते हैं तो एस्प्लेनेड तक का कॉस्ट है ओनली 10 रुपीज। और अगर आप दमदम वगैरह जाना चाहते हैं तो ये दमदम वाला जो स्टेशन है यहाँ से आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलती है, तो यहाँ तक का कॉस्ट है 25 रुपीज। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप ये मेट्रो लें, क्योंकि दमदम से भी आपको जो एयरपोर्ट है वो काफी डिस्टेंस है और यहाँ के बीच में अभी भी फिलहाल मेट्रो कनेक्टिविटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से कोलकाता एयरपोर्ट तक जाना चाहते हैं तो स्टेशन के बाहर ही यहाँ पे जो बस डिपो है, हावड़ा का जो बस डिपो है, यहाँ से आपको मिल जाएगा बस नंबर AC39 एंड VS2। ये जो दो बसेस है ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा एयरपोर्ट तक और इसका कॉस्ट होता है 50 रुपीज पर पर्सन। और ये सुबह 7 बजे से रात के 9:30-10 बजे तक हर आधे आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी में चलती है। तो ये आपका बहुत इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा एयरपोर्ट से स्टेशन तक आने के लिए या फिर हावड़ा स्टेशन से एयरपोर्ट तक जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप बाय मेट्रो हावड़ा स्टेशन से कालीघाट वगैरह जाना चाहते हैं तो कालीघाट यहाँ का वन ऑफ द फेमस काली टेम्पल है यहाँ पर, तो यहाँ तक का कॉस्ट है 25 रुपीज। और उसके बाद बाकी जो भी कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और एक चीज, यहाँ तक सियालदह का जो रूट है वो ऑपरेशनल नहीं है इसलिए वो रेट दिख नहीं रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली एस्प्लेनेड तक अगर 10 रुपया है टिकट तो इन माई ओपिनियन हावड़ा से सियालदह का मेट्रो का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली रहेगा 10 रुपीज और मैक्सिमम 15 रुपीज। तो इस तरीके से 10 रुपीज देकर आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से इजिली बाय यूजिंग मेट्रो रेल आप आ सकते हैं कोलकाता सिटी तक और उसके बाद आप कोलकाता को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हावड़ा मेट्रो स्टेशन में आपको मेट्रो टिकट बुकिंग के क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप काउंटर टिकट ले सकते हैं बाय कैश पे करके, जहां आपको इस तरह का QR कोड बेस्ड टिकट मिल जाएगा जिसे आपको वहां गेट में स्कैनर होते हैं वहां आप स्कैन करके एंट्री ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन गो फॉर प्रीपेड स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड आपको तभी लेना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्ट कार्ड का कॉस्ट है उसमें 80 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, तो आपको 100, 200, 300,
500,000 रुपीज़ इस तरीके का डिनोमिनेशन में आपको रिचार्ज करना पड़ता है ये स्मार्ट कार्ड, जिसमें आपका 80 रुपीज़ डिपॉजिट कट के बाकी रिमेनिंग अमाउंट टॉपअप के रूप में उस कार्ड में रह जाता है और उसको आप यूज कर सकते हैं मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। और कार्ड में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, मतलब जैसे आप रिचार्ज करते हैं 100 रुपीज़ का तो आपको 110 रुपीज़ का वैल्यू मिल जाता है कार्ड के अंदर। तो इस तरीके से कार्ड तभी लीजिए जब आपको लॉन्ग टर्म में या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल करना हो, अदरवाइज फॉर सिंगल जर्नी या फिर एक या दो ट्रिप के लिए काउंटर बेस्ड टिकट लेना ही बेटर है। अब इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है मेट्रो रेल का ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाया देयर ऑफिशियल ऐप जो है मेट्रो राइड कोलकाता ऐप। तो इस पर्टिकुलर ऐप से भी आप टिकट वगैरह ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं, यहाँ आपको डिजिटल QR कोड वगैरह मिल जाता है, प्लस इससे आप अपना जो मेट्रो कार्ड है उसे रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन है आई थिंक, अगर आप कलकत्ता में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ऐप डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि हावड़ा जैसे रेलवे स्टेशन जो वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन है वहां पर मेट्रो में ऑब्वियसली काउंटर में काफी रश रहता है, तो वहां पर आपको मेट्रो स्टेशन में क्यू में खड़े होकर टिकट लेना जो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप ये ऐप पहले से डाउनलोड करके रखें और इसमें आप डिजिटल QR कोड लेकर इजिली मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो के बारे में एक पूरा डिटेल मिल गया होगा कि ये आप कैसे बोर्ड कर सकते हैं, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ तक है और यहाँ का फेयर क्या है। और बाकी और भी कोई डिटेल चाहिए कलकत्ता के टूर के बारे में या फिर इस पर्टिकुलर मेट्रो रेल के बारे में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और एट द एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑन दिस नोट करते इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं पर एंड और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।